दोस्तों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका लक्ष्य हवाई यात्रा को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बना था, लेकिन आज के समय में यह टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे घातक हथियार में बदल चुका है। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी का नाम है रैमजेट इंजन। 90s के दशक में वैज्ञानिकों को ऐसा टेक्नोलॉजी का जरूरत महसूस होता है जो एयरक्राफ्ट को ध्वनि के रफ्तार से 8 गुना तेज ले जा सके, मगर उस समय एक ही विकल्प जेट टर्बाइन इंजन के रूप में था। लेकिन यह इंजन में इतना दम नहीं था कि यह किसी भी एयरक्राफ्ट को ध्वनि के रफ्तार से 3 गुना तक भी पहुंचा सके। वहीं रैमजेट, जो ध्वनि के रफ्तार से 8 गुना तेज उड़ने के साथ साथ 80,000 फीट के ऊंचाई में भी एयरक्राफ्ट को एक स्टेबल फ्लाइट प्रदान करने में सक्षम था। लेकिन अफसोस, रैमजेट अब के समय में सिर्फ मिसाइल में ही उपयोग होता है। इसके पीछे की वजह, यह इंजन सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड में ही उपयोग हो सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल में सॉलिड रॉकेट लगा होता है जो मिसाइल को एक सुपरसोनिक रफ्तार प्रदान करता है। उसके बाद जाकर पर्याप्त ऊर्जा के साथ रैमजेट इंजन थ्रस्ट जनरेट कर पाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट में रॉकेट की तरह सॉलिड फ्यूल नहीं होते जो इनिशियल थ्रस्ट पैदा कर सके।